उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने 9, सपा व बसपा ने एक एक उम्मीदवार उतारे हैं। राज्यसभा में कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा। राज्यसभा चुनावों के लिए विधानसभा के तिलक हॉल में मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदान के बाद शाम 5 बजे से मतगणना होगी। करीब 3 घंटे तक मतगणना पूरी होने की उम्मीद है। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए कुल 402 विधायक मतदान करेंगे। चुनाव में भाजपा की 8 और सपा की 1 सीट पक्की मानी जा रही है, पर सर्वाधिक निर्णायक भूमिका में ऑपोजिशन पार्टी के रघुराज प्रताप सिंह और उनके सहयोगी विनोद सरोज हैं, जहां क्रॉस वोटिंग का भी अंदेशा बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि रघुराज सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के बुलावे पर उनके आयोजन में गए और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कदम ताल करते नजर आए। इससे उनके वोट का दावा करने वाली भाजपा को झटका लगा है। इस कदम से जीत हार के समीकरण बदल गए हैं।